एवरीवन वेलकम बैक। और यहाँ आप सोच रहे होंगे इतने सारे ओरियोज एंड ये सब कुछ क्या हो रहा है। आज है हमारा बेकिंग डे और हम दोनों को दिल चाह रहा था बेकिंग करने का, तो इशाल फर्स्ट टाइम क्या करने वाली है, कुछ ओरियो टाइप कपकेक्स बनाने का। वही आपको बताएगी वो क्या क्या चीजें डाल रही है इसमें। अभी तक तो इसने ओरियो क्रश किए हैं, ये सारे ओरियोज, कपकेक मोल्ड, बेकिंग सोडा, पता नहीं क्या क्या इसने रखा है। और दूसरी साइड एंड हियर आई एम मेकिंग यमी की चॉकलेटी ब्राउनी, जो कि इन प्रोसेस बस शुरू हो चुका है। और मैंने अपना जो स्टोव है वो भी अपना गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं ओवन में नहीं बनाती हूँ ना माइक्रोवेव में बनाती हूँ। आप लोगों को नहीं पता है तो डू चेक माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैं सब बताया कि मैं किस तरह बनाती हूँ चीजें। सो यस गाइस, यहाँ पे ये एग्स हैं जो मैंने दो एग्स लिए हैं और उसको मैं अच्छे से बीट करूंगी। अभी और बीट करना बाकी है तो जल्दी से इसको बीट करते हैं और जो भी होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा एग अच्छे से बीट हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी बटर एंड ऑयल। 20 मिनट्स लेफ्ट। Guys, my brownies are all ready. जैसे आप देख सकते हैं कितने मजे की फ्लफी सी ब्राउनीज बनी है। अभी ये थोड़ी सी कूल डाउन होगी एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की बनी है। लग तो बहुत मजे की रही है और बहुत मजे की खुशबू आ रही है। बस जल्दी से अभी ठंडी हो एंड उसके बाद हम कट करेंगे। विशाल के फर्स्ट टाइम बने हैं कपकेक्स। और जी यहाँ पे शाल के कपकेक्स भी हो चुके हैं रेडी, बहुत मजे के लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम है गाइज, डोंट जज। और इसने फर्स्ट टाइम बनाया तो होपफुली बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्ट टेस्ट भी करेंगे। लुक एट द चॉकलेट इनसाइड, लुक सो यम। पता नहीं कैमरे में ऐसा लग रहा है जल गए हैं बट इट्स नॉट गाइज, ये ब्राउनिश से हैं बट लग रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरी ब्राउनी भी ऑलरेडी है। आज बेक डे हमारा हो गया है कम्प्लीट। Yo a ti te vi mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completo. तो यहाँ पे सब मैंने pieces कर दिए हैं, cut बहुत ही yummy सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा yummy है। बस मैं आप लोगों को एक piece निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरह turn out हुआ है। सो हियर वी गो गाइस, मेरी ब्राउनीज हो चुकी है फुली तैयार। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और मैंने तो एक दो खा लिए, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है। स्पेशली दिस चॉकलेटी वन फुल मेल्टेड हो रही है, एक येस फुल फिल्ड फुल चॉकलेटी, ऐसी एक नाइफ डालो और फुली चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। जस्ट लुक एट दिस, बहुत 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 मज़े की टर्न आउट हुई है। और मैंने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के लिए भी लेकर जा रही हूँ कल। सो लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होता है और उनको कैसी लगती है वो कल ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। और मैं अभी जाती हूँ नीचे, हरीश बाजी को भी ज़रा टेस्ट करवाती हूँ, वो भी ब्राउनी की फ़ैन है और आई नो उनको भी बड़ा पसंद आएगा। सो मैं उनके लिए ये वाला पीस लेकर जाती हूँ और एक ओरियो वाला। सो लेट्स गो। द नेक्स्ट डे, सो आई एम इन यूनिवर्सिटी नाउ। और ये रही यार, अभी हम क्लास में हैं और सब आ चुके हैं और अब hours later. तो अब हमारी हुई है ब्रेक और अब बारी है ब्राउनीज। अब मैं बैग खोलती हूँ क्योंकि ब्राउनीज इसी में, ये रही ब्राउनीज। अब इनको निकालती हूँ, सारे भूखे बैठे हुए। जोन आउट, ओ जोन आउट, जोन आउट जाग गई, जोन आउट जाग गई। मैं ब्राउनीज निकालती हूँ। तो ईमान टेस्ट करने वाली है और ईमान बताएगी अब। सच बताओ यार ईमान, मजाक मत करो, एक्टिंग करने को नहीं बोले। नहीं हो रही है। ये क्या मतलब है? मेल्ट हो रही है। अच्छी बनी है पक्का? रेट रेड बोला है मैंने। अबे रेटिंग करने को और क्यों? अब मारिया तुम्हारी टर्न, एक मिनट मारिया, अब तुम ट्राई करके बताओ। मारिया जल्दी बता, हाँ जोर से बोलो। सो यमी ये अब, हाँ हाँ आपकी बारी। तुम लाइबा ओके, लाइबा स्टर्न पक्का जोर बस अप्रूव ना। थैंक यू गाइस, नाउ यू गाइस कैन एंजॉय और मैं भी एक पीस ले लेती हूँ अब।
अभी मैंने इन लोगों को बताया कि ये मैंने माइक्रोवेव ओवन में नहीं बल्कि स्टोव में बनाया, तो ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रेसिपी बताओ कि किस तरह बनाया। सो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके जरूर चेक करें मी व्लॉग्स, यस ट्राई करिएगा। मैंने रेसिपी नहीं बताई है, मैंने ये बताया कि मैंने स्टोव में कैसे बनाया। सो यस, तो अभी हमारी हो गई है ब्रेक ओवर और अब हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने जो कि हमारे करीब ही है। सो यस, अभी हम सारे जा रहे हैं बिरयानी खाने, फुल नकाबी औरतें बनके, लड़कियां औरतें नहीं सॉरी नकाबी लड़कियां बनके। सो लेट्स गो, अभी रिक्शा हम लेते हैं बाहर से, अब मैं फोन अंदर रखूँ और हम लोग चलते हैं बिरयानी खाने। सो अभी हमारी राइड हो गई है शुरू और हम जा रहे हैं बिरयानी खाने, पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं, आगे है वैसे कहाँ जा रहे हैं और ये चाट मैडम और ये पता नहीं क्या। सो लेट्स गो, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं बीफ और बाइट्स पे, ये पुराना थोड़ा जी, और यहाँ पे हम डिसाइड करें हम खाएंगे क्या खाना है भाई। चना पापड़ी लेनी है, गोलगप्पे ना ले लें, यार डिसाइड करते, फ्राइज लेने गए, चलो लेट्स सी क्या। यहाँ आ गई है हमारी मजेदार सी बिरयानी और ये सारे बैठे हुए खाने के लिए, और बस जल्दी से भाई चाट भी आ जाए। हमने बिरयानी मंगाई है चिकन की एंड यहाँ पे मंगाई है हमने मिक्स चाट, सो चाट भी अंकल साथ ही लिया है। तो हमारी बिरयानी का हाल ऐसा हुआ है हम सबने खा लिया और अब बारी है इसको खाने की जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, जल्दी से खाते हैं। और ये बिरयानी सब खा चुके, मेरा इंतजार भी नहीं किया किसी ने, बस जल्दी से मैं भी लेती हूँ यार, मजे की है वैसे। ओके लेट्स ईट, तो अलहमदुल्ला से हमने सब खा लिया है, फुल चड्डे फड्डे हो गए और मैडम पैसा लेके बैठी हुई है मनी मनी, और बस सब पैसे देने की बारी मेरे पास। और हमने रिक्शा अंकल ले लिया और हम वापस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, बस जल्दी से पहुंच जाए, 2:30 हमारी ऑफ हो जाएगी। और कैसे मजा आया ना, खैर चाट अच्छी नहीं थी, सही थी बस अंकल ज्यादा ही लूट लिया अंकल ने, बट चलो खैर लेट्स गो। Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. तो अभी हम जा रहे पेडेस्ट्रियन ब्रिज से वापस ऊपर, क्योंकि हमारा पेडेस्ट्रियन ब्रिज ये रहा, अब वो रही यूनिवर्सिटी, बस जल्दी से हम यहाँ से चल के। तू quieres conmigo, amor, todos esos placeres. हम वापस आ गए,